समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से सीतापुर जेल में मुलाकात करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके बाद भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उनसे जेल में मुलाकात करने नहीं जाएंगे। रामपुर से विधायक, समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य आजम खान करीब 27 महीने से सीतापुर जेल में बंद है। उनको काफी केस में जमानत नहीं मिली है, जबकि शत्रु संपत्ति पर कब्जे के मामले में गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको जमानत पर सुनवाई होनी है। सीतापुर जेल में बंद आजम खान के केस को लेकर समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पुख्ता पैरवी करने को लेकर तमाम बड़े मुस्लिम नेता अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। बड़ी संख्या में आजम खान के समर्थक भी अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, लेकिन पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सीतापुर जेल जाकर आजम खान का हालचाल लेने से कतरा रहे हैं। रमजान में इस बार रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन न करने वाले सपा मुखिया ने आजम खान को लेकर कहा है कि जब आजम खान जेल से छूटकर बाहर आ जाएंगे तभी मुलाकात होगी। अखिलेश यादव ने कहा है कि आजम खान को भाजपा की सरकार ने साजिशन फंसाया है, उनको जेल भी भेजा गया है। भाजपा के बहुत से नेता के साथ कार्यकर्ता उनके पीछे पड़े हैं। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी तो लगातार आजम खान के साथ है, हमारे सभी नेता तथा कार्यकर्ता लगातार उनके मामले की पैरवी भी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे दिग्गज नेता आजम खान ने भी बुधवार को चुप्पी तोड़ते हुए इशारों में अखिलेश यादव का निशाना साधा है। करीब 27 महीने से सीतापुर जेल में बंद आजम खान अपनी उपेक्षा से नाराज हैं। उनके समर्थक खुलकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन आजम खान ने पहली बार इस पर कुछ कहा है। समाजवादी पार्टी से विधायक उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने अपने ट्विटर हैंडल से आजम खान के हवाले से यह ट्वीट किया है। आजम खान ने सभी को ईद मुबारकबाद देने के साथ कहा कि तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या है, हर शख्स मेरा साथ है, निभा भी नहीं सकता, वैसे तो एक आंसू ही बहा के ले जाए मुझे, ऐसा कोई तूफान हिला भी नहीं सकता। ईद मुबारक, माना जा रहा है कि आजम खान का इशारा अखिलेश यादव की तरफ है। आजम खान के करीबी लगातार इस बात को कहते रहते हैं कि अखिलेश यादव को आजम खान के जेल में होने का कोई गम नहीं है और उन्होंने उनकी रिहाई के लिए कुछ कराया भी नहीं है। एक अन्य ट्वीट में अब्दुल्ला आजम के पिता के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि यह पिता के बिना पहली ईद है और ऐसा मौका दोबारा ना आए। उन्होंने लिखा है कि वो जो ख्वाब था मेरे जहन में, ना मैं कह सका ना मैं लिख सका, कि जबान मेरे तो कटी हुई कि कलम मिला तो बिका हुआ, आपके बिना पहले ईद है, अल्लाह पाक कभी दोबारा ऐसा मौका ना लाए।